जैन साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ध्रुव द ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, वैकेंसी आ चुके हैं लड़कियों के लिए आर्मी रैली के लिए। अभी इस बार वैकेंसी में थोड़ा बदलाव हुआ है और साथ में जो हाइट में है उसमें बदलाव हुआ है वैकेंसी। इस बार पिछले बार वैकेंसी 100 वैकेंसी था और इस बार हो गया है 99 वैकेंसी, मतलब एक वैकेंसी कम हो गया है। और साथ में दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो रजिस्ट्रेशन होना है वो 27 जुलाई से 31 अगस्त है, इसके बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो वीडियो पर पूरा बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ घंटे दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये है नोटिफिकेशन 2020 और 2021 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है कुछ नोटिफिकेशन। और साथ में दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि जो पिछली बार वैकेंसी आई हुई थी वो आई हुई थी 100 वैकेंसी और इस बार आ गए हैं 99 वैकेंसी। इसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यहां पर का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 27 जुलाई से 31 अगस्त तक के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों आप लोग बहुत जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करिएगा। अगर आप लोग को चाहिए इसके बारे में रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस, तो उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। और साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बोला गया है कि रिक्वायरमेंट रैलीज आर प्लान टू बी कंडक्टेड एट अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग एंड पुणे। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जहाँ यह रैली होना है, जहाँ पर रैली करवाना गया है वो इसको कंडक्ट करवाएगा अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग और पुणे में, यही जगह ही रैली होना है। और ये वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में लड़कियों के लिए। अब दोस्तों जिसमें नेक्स्ट बदलाव हुआ है उसको मैं आपको बता दूं, इसमें हुआ है हाइट पर। दोस्तों हाइट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, ये देख सकते हैं कि इस बार हो गया है 10 सेंटीमीटर ज़्यादा। और साथ में आप लोग को तो पता ही होगा कि क्वालिफिकेशन मांगा है 10वीं पास के लिए और सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए 33-33 मार्क्स। आपको इसमें फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया है, उसमें साथ में आपका रनिंग दिया है 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर रनिंग के लिए आपको दिखाया है अप टू 7 मिनट 30 सेकेंड। इसमें बताया गया दोस्तों कि 7 मिनट 30 सेकेंड अगर आप लोग उसमें रनिंग करते हो तो आपको ग्रुप ए में रखेगा और 8 मिनट में करते हो तो आपको ग्रुप बी में रखेगा। और साथ में इसमें बताया कि लॉन्ग जंप 10 फीट होना चाहिएगा और हाई जंप 3 फीट होना चाहिएगा। अब क्वालिफिकेशन के बारे में तो हम लोग बात कर लिया है, बोनस मार्क्स स्कीम के बारे में देख लेते हैं। इसमें एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए बोला, अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास तो उसमें बहुत आपको छूट मिलेगा। और डॉक्यूमेंट के बारे में तो आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट लगेगा, एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, लीजन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। अगर आपने दोस्तों हमारा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसमें का वीडियो देखेगा, प्रॉपर मैंने बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है आर्मी रैली में जाने के लिए और कहाँ पर उसको बनवाना होता है। साथ में इस बार जो बड़ा बदलाव हुआ, पिछले बार के रैली में पैन कार्ड नहीं मांगा गया था और इस बार पैन कार्ड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ये नोटिफिकेशन अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उस PDF नोटिफिकेशन में बहुत सारी है। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जब भी ऐसी आर्मी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं तो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।